नमस्कार, मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज 24। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं, वहीं पर बात कर लेते हैं मंत्री का। मंत्री पद का भी हो चुका है, बंटवारे भी हो चुके हैं, काफी लोगों को किस किस चीजों का मिला है वो भी पद आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए दो सहयोगी हैं, एक नंदन और एक सदन जी। तो सबसे पहले नंदन से बात करेंगे। नंदन, क्या लगता है इस तरीके से इस बार नरेंद्र मोदी को क्या ऐसा मंत्री पद इतना काफी बढ़ाना पड़ा, इतना तेजी से जिस तरीके से देख सकते हैं आप कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण लेते हैं और जिस तरीके से विपक्ष का भी कटाक्ष लगातार उन पर जारी है, क्या लगता है इस पर? देखिए, इस बार मंत्री ज्यादा बनाए गए, ठीक है। कारण यह था कि इस बार नरेंद्र मोदी या बीजेपी या एनडीए की बात करें तो एनडीए की सरकार, जो विपक्ष एक बात शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि बैसाखी पर चल रही है एनडीए की सरकार, अगर उसी बात को लेकर हम चले कंटिन्यू करें तो हो सकता है क्या रियलिटी में यह बात है कि मंत्री अगर ज्यादा बनाए गए हैं तो उसका यही कारण है कि एनडीए के पास इतनी ज्यादा पार्टीज थी और सबसे बड़ी बात है किसी पार्टी को आप खाली हाथ भेज नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पार्टीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आप इस समय सरकार बना के इंडिया में सरकार बना के आप बैठे हुए हैं, तो किसी को आप खाली हाथ भेज नहीं सकते थे, तो बंटवारा तो करना ही था। इसीलिए बाकी साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। तो सदन जी, आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से इस बार मंत्री ज्यादा बनाया गया, जो 72 अनुमान लगाया, अनुमान क्या, ये बात सच है कि 72 मंत्री, क्या नरेंद्र मोदी वाकई डरे हुए हैं कि आप 5 साल तक चलेगा, या क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2014 की मोदी 1.0 की, तो 2014 में 46 मंत्री ही उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे प्रधानमंत्री मोदी को लगाकर। बिल्कुल। 2019 की बात करते हैं तो 51 प्रधानमंत्री मोदी को लगाकर 52 मंत्री थे उनके केंद्र में, और इस बार 72 मंत्री 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को लगाकर 72 टोटल मंत्री है। आखिरकार 2014 में आप इतने कम मंत्री बनाते हैं 46, और 2019 में 52, और 2024 में आपको 72 मंत्री बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हालांकि क्या नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं इस बार, क्या कहिएगा? नहीं, डरने की बात इसमें नहीं है, डरे हुए नहीं है। हालांकि देखिए, किसी को भी डर लगेगा ही, अगर हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा सरकार चलाने के लिए, हम अपने बलबूते अगर 2014 में जिस तरीके से हमने सरकार चलाई, 2019 में हम जिस तरीके से सरकार चलाए, उसके बाद फिर 2024 में उस मुकाबले 303 और 282 के मुकाबले हमको 240 सीट जाता है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को तो पूरा बहुमत नहीं मिला। हमें अगर कोई डिसीजन लेना होगा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी सारे मंत्रालय जो कि 2019 में जिस तरीके से अमित शाह के पास गृह मंत्रालय 2019 में था, तो 2024 में भी उनके पास ही मंत्रालय गृह का, उसके बाद रक्षा मंत्रालय का अगर हम बात करते हैं, राजनाथ सिंह उनको भी रिवाइज कर दिया गया है, विदेश मंत्रालय जयशंकर निर्मला सीतारमण और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सबको रिवाइल किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर 72 मंत्री जो बनाए गए, 2019 में दो उनके सहयोगी थे, मात्र दो को मंत्री बनाए थे, और 2019 में 5 को मंत्री बनाए थे, लेकिन इस बार ज्यादा बनाए गए। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार से 8 मंत्री बनाए गए, 4 केंद्रीय मंत्री और 4 MOS राज्य मंत्री बनाए गए, और अभी हम कुछ देर पहले ही कांग्रेस के विधायक से अगर बातचीत हमने किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि डर कहीं ना कहीं है, क्योंकि 240 मात्र सीट है उनके पास सरकार चलाने के लिए, सहयोगी का आवश्यकता है। और उसके बाद अभी सबसे पहले देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जिस दिन बने शपथ लिए, उसके अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग होने से पहले किसान सम्मान निधि की किस्त उन्होंने जारी कर दी। तो इस बार हमको लगता है कि 5 साल जो प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल रहेगा एनडीए का, तो ये बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष आपको मिला है। अगर आप किसी तरीके का फैसला लेते हैं तो विपक्ष आपका टूट पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात भी है ना कि बहुत अनुमान लगाया जा रहा था कि जो मेन मंत्रालय है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी, और बीजेपी ने अपने पास मेन मंत्रालय रखा भी, लेकिन कुछ एक मंत्रालय थे जिनके बदलने के चांसेस थे, जिसमें सबसे ऊपर खड़े होकर आता है वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्री के बदलने के बहुत सारे चांसेस लग रहे थे और लोग अनुमान भी लगा रहे थे कि हो सकता है वित्त मंत्री बदले, लेकिन भाजपा ने जो कह सकते हैं कि सबसे तगड़ा मंत्रालय है वो अपने पास ही अभी भी रखा है। तो क्या मतलब कि ये इसी से लोगों को नाराजगी हो सकती है ना कि आपने रेल मंत्रालय अपने पास रखा हमेशा की तरह, वित्त मंत्रालय रखा, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और ये फॉरेन मिनिस्टर आपके, मतलब कि हर एक चीज आपने वो रखा, और जो छोटे छोटे मंत्रालय थे वो आपने इधर उधर बांट दिया, ये थोड़ी बहुत हो सकती है। विपक्ष को ये सबसे बड़ा ये एक रीजन मिला है कि वो आवाज उठा सकती है कि हमें बस छोटे छोटे मंत्रालय मिले। जिस तरीके से सबसे बड़ी बात क्या है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि हमने जो हमारा जो कार्य है वो कार्य हमारा जारी रहेगा, इसलिए सोनी को नहीं हटाया गया, पीयूष उनको भी नहीं हटाया गया,
नितिन गडकरी को नहीं हटाया गया, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर की तो बात ही अलग है, उनको भी नहीं हटाया गया, और गृह मंत्रालय अमित शाह जो भी काम बचे हैं वो सब अब डेटा भी के साथ। अब बिहार की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल और कपड़ा मंत्री मंत्रालय उनके पास था तो उनको वो मंत्रालय दे दिया गया। ललन सिंह की बात करते लोग कहते हैं ना कि विपक्ष कह रहे हैं कि झुंझुना थमा दिया गया बिहार को, तो बिहार को झुंझुना नहीं थमाया गया। आपको समझना होगा कि पंचायती राज के साथ पशुपालन और मछली पालन और डेयरी मंत्रालय, ये बड़ी मंत्रालय, तीन मंत्रालय उनके पास है गिरिराज सिंह के पास। मछली पालन आपको पता है कि किस तरीके से बिहार में भी बिहार सरकार ने मछली पालन का कई योजना चलाई है, और उसके बाद डेयरी मंत्रालय, और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था भी उन्हीं के पास है, और उसके बाद जीतन राम मांझी के पास MSME है, और चिराग पासवान के पास फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी। वहीं MOC की बात करें तो नित्यानंद राय को जिस तरीके से अमित शाह ने उनके रैली में आया उजाड़पुर कहा कि मेरा छोटा भाई आप लोग इनको वोट दें, हम इनको बहुत आगे ले जाएंगे, तो गृह मंत्रालय की भूमिका में केंद्रीय राज्य मंत्रालय की भूमिका में गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खनन मंत्रालय उनके पास है, राजभूषण निषाद जल शक्ति, तो बिहार को मंत्रालय सब मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से विपक्ष कह रहे हैं कि झुंझुना मिला है बिहार को, तो ऐसी बात नहीं है, बिहार को 8 मंत्रालय मिला है, 4 मिनिस्ट्री और 4, ये बड़ा चीज है। कास्ट फैक्टर भी आ रहा है ना, कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कह सकते हैं जिस तरीके से SC दुबे को नॉर्थ बिहार का आपने पूरा वर्चस्व दिया, नॉर्थ बिहार में उनका ब्राह्मण तो के लिए चलते भी हैं, तो बहुत ज्यादा उनका नाम भी है सिद्धू की बात करें तो। और भूमिहार की बात करें तो वहां पर भी ललन सिंह का आप देख लीजिए, गिरिराज सिंह का आप देख लीजिए, अच्छा खासा गया हुआ है। और वहीं पर इस बार ये हुआ है ना कि बिहार में राजपूत की अगर बात करें तो वहां एक भी मंत्रालय नहीं दिया गया, इस पर सवाल उठाने जा रहा है। बीजेपी गलत की है कि राजपूतों को एक भी सीट नहीं दिया, क्योंकि आपके पास भूमिहार की, बिहार के भूमिहार देश में क्या, बिहार में भी भूमिहार की आबादी क्या है, छिटपुट जगह पे भूमिहार है, बेगूसराय सबसे ज्यादा वर्चस्व, और कुछ कुछ जगह भूमिहार है, भूमिहार की जनसंख्या है नहीं उतनी, लेकिन आप जिस समाज की बात करते हो, राजपूतों की इतिहास रही है, राजपूत से आपके पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, उसके बाद फिर राजीव प्रताप रूढ़ी है, कई आपके चार चार राजपूत मंत्री बने हैं, आप एक मंत्रालय एक मंत्री राजपूत को बनना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी एक साल में ना कहीं चेंजिंग करते हैं, आप काम करोगे तो मंत्रालय में बने रहोगे, तो हो सकता है कि चेंजिंग करके कहीं ना कहीं आगे फिर रिवाइल की जा सके। जिस तरीके से विपक्ष का भी एक सवाल है, तेजस्वी यादव का भी एक सवाल है कि झुंझुना थमा दिया है, जिस तरीके से नीतीश कुमार 3 चीज की मांग की थी, तो तेजस्वी यादव का कहना है कि झुंझुना थमा दिया है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि देखिए विपक्ष के है? इसको अगर आप पॉलिटिकली वे से नहीं देखिएगा तो विपक्ष का तो काम है बोलना ना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप बात देखिए कि झुंझुना थमा देने का जो बात है, आप किसी को सीधे ललन सिंह को क्या आप रेल मंत्रालय दे दीजिएगा, कुछ तो फैक्टर होना चाहिए ना, अश्विनी वैष्णव को तुलना करिएगा आप ललन सिंह से, मतलब वो तो कुछ बनता नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव में तो उन्होंने काम किया, जिस तरीके से काम, प्रधानमंत्री मोदी का साफ विजन है कि कहना है कि हम जिस मंत्रालय में है जो मेरा वर्क चल रहा है हम उसके ऊपर अमल करेंगे और उस वर्क को हम तेज गति से आगे बात कर रहे हैं कि जैसा कि विपक्ष का आरोप लगते आ रहा है, हम एक सवाल करेंगे कि आप बताइए क्या आप फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दीजिए किसी को, क्या आप होम मिनिस्ट्री अमित शाह से छीनकर आप JDU के खाते में डाल दीजिएगा, क्या आप राजनाथ सिंह से छीनकर डिफेंस मिनिस्ट्री डाल दीजिएगा JDU के खाते में, रेल मिनिस्ट्री डाल दीजिएगा JDU के खाते में, तो बात यह नहीं है। चलिए हम मानते हैं कि आपका योगदान रहा है कि अभी भाजपा की NDA की सरकार बनी है भारत में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना कि जो ऐसे स्ट्रीम ऐसे ऐसे ये मंत्रालय है जहां पर अच्छा खासा काम चलता आ रहा है तो उसको हटा कर किसी को देना तो बनता नहीं है। और जहां में झुंझुना थमा देने वाली मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि चिराग पासवान की अगर बात करें तो 100% स्ट्राइक रेट से उन्होंने जीता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, उनको केंद्रीय मंत्री भी बना दिया गया, शुरुआत में ही हम उन्हें शिक्षा मंत्री तो नहीं बना सकते हैं, शुरुआत में ही हम उन्हें रेल मंत्री तो नहीं बना सकते हैं, तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके ही अपग्रेड होगा तो चलेगा ना। और दूसरी बात देखिए, लोगों को पता है और बीजेपी को पता है कि हम JDU पे उतना विश्वास नहीं कर सकते हैं, समझिए बात को, पता है कि उतना विश्वास नहीं कर सकते हैं, और बिना कुछ बिलीव के हम उन्हें रेल मंत्रालय तो नहीं दे सकते, क्योंकि रेल मंत्रालय के ज्यादा नाम आ रहा था इसलिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो रेल मंत्रालय को हम नहीं दे सकते क्योंकि उनको पता है ना कि JDU चीज क्या है, ठीक है, तो ये डर हो सकता है होगा। हाँ, आपका योगदान रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना कि हम आपको बड़ा मंत्रालय दे दीजिए, इस मंत्रालय में अच्छा खासा काम हो रहा है, लेकिन ये बात एक निगेटिव फैक्टर पैदा करेगा कि जिस तरीके से राजपूतों का योगदान रहा है बिहार के लिए, फिर केंद्र के लिए बात करें तो जिस तरीके से राजपूतों का वर्चस्व रहा है, आपको देना चाहिए था मंत्रालय राजपूतों को, आपने दिया लेकिन आपने राजपूतों को मंत्रालय नहीं दिया है, ये गलत तो है ही। देखिए एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बार मुस्लिम का भी नहीं मंत्रालय, एक भी मुस्लिम को नहीं मिला है, उस पे आप देखिए मुस्लिम को मंत्रालय नहीं मिला है, सबसे ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गिरिराज सिंह का भी आपने बयान सुना
अलावा गिरिराज सिंह ने कहा था, साफ तौर पर ही कहा था कि आप जीत कराएंगे तभी तो बनाएंगे। हालांकि आप नकवी की बात करें तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, उसके बाद राज्यसभा से वो हट गए तो उसके बाद उन्हें नहीं बनाया गया था। तो मंत्रालय मंत्री किन्हें बनाया जाएगा, जो जीत कराएंगे। इस बार तो स्मृति ईरानी की छुट्टी हो गई है और उसके बाद अनुराग ठाकुर का भी छुट्टी हो गया है, आर के सिंह का छुट्टी हो गया है। मंत्री मैन जो कुछ कुछ 8-10 मंत्रालय को छोड़कर, 10-15 मंत्रालय को छोड़कर सारे मंत्रालय में चेंजिंग हुए हैं। और जो भी पुराने इनके अर्जुन मुंडा को ले लें, झारखंड से वो आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, और वो हार गए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी आप हार के आओगे तो राज्यसभा भेजकर हम आपको मंत्री बना देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो हारे हैं उन्हें मंत्री बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। इस बार तो सारे चीज में चेंजेस हुआ है, आपका क्या लगता है? देखिए, लोग कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम ये नरेंद्र मोदी मुस्लिम फ्री बीजेपी बना रहे हैं, मुस्लिम फ्री एनडीए बना रहे हैं, ये कोई तर्क वाली बात नहीं है। अगर आप रिलीजन बेस्ड लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी मुसलमान को हटाकर अपना मोदी सरकार चलाना चाहते हैं तो गलत है, क्योंकि आप बिहार के नजरिए से देखिए तो बिहार में राजपूत को एक भी आप मंत्रालय आपने नहीं दिया, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी कहेंगे कि मोदी राजपूतों राजपूत फ्री मोदी सरकार बनाना चाहते हैं। आप उस बेसिस पे काम करिए, आप अच्छे खासे मार्जिन से जीतिए, आप वैसा कुछ करिए कि बिना सोचे आपको हम ये वो पद दे दें, ठीक है? क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं ना कि क्या शहनवाज हुसैन बीजेपी में नहीं है, अच्छे खासे पद पर नहीं है, तो फिर तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को गलत लेकर चलती है। अधिक मतलब बीजेपी में भी 20-25% मुसलमान है अभी, चाहे वो प्रवक्ता के तौर पे ले लीजिए या राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे ले लीजिए या फिर मंत्री के तौर पे ले लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट रिलीजन बेस्ड, क्योंकि उन पर दाग लगता है शुरू से कि रिलीजन बेस्ड वो काम करते हैं, इसलिए अभी भी लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई सीन ये है नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव कटाक्ष किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि इस बार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी काफी कम सीट उनको मिला है 240 के बाद पे, तेजस्वी यादव का ये बयान आया था कि जिस तरीके से उनको 200 तो और वो जाएंगे, और उस पर तेजस्वी यादव का ये भी है कि इस बार विपक्ष मजबूत है, क्या कहिए? देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि देश को एक सशक्त विपक्ष मिला है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप जब विपक्ष भी आपको मजबूती के साथ मिले और सत्ता पक्ष भी मजबूती के साथ मिले, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना अहम होता है। क्योंकि आपने 2014-2019 में देखा होगा विपक्ष का नेता नहीं हुआ करते थे, अब तो 2024 में विपक्ष का तो नेता होगा। जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगाते थे कि सिलेंडर की कीमत 2014 के बाद 400 से चले गया, 1100-1200-1300 पेट्रोल की कीमत, तो कम से कम आप विपक्ष होने के नाते कम से कम सवाल तो उठाएंगे। और जिस तरीके से अगर 2014 के पहले की बात करें तो उस समय आपको याद हुआ कि स्मृति ईरानी विपक्ष में वो हुआ करती थी, सब लोग विपक्ष में थी, तो सिलेंडर की कीमत मात्र 10 या 15 रुपया बढ़ोतरी हुई थी, वो लोग सिलेंडर उठा के दिल्ली के रोड पे आ गए थे। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत बेहतर रहेगा, और इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है बहुत बढ़ चढ़ कर ये काम करेगी, और जो रोजगार की बातें हैं चाहे कंपनी या कुछ भी फैक्ट्री खोलने की बात हो तो ये कहीं ना कहीं काम बहुत बेहतर तरीके से इस बार होगा। और विपक्ष सशक्त विपक्ष मिला है तो देश को, तो कहीं ना कहीं इस बार एनडीए को 2014-2019 के मुकाबले काम करना होगा, तभी तो 72 मंत्रालय, इतनी बड़ी मंत्रालय अब तक नहीं हुआ था 2014-2019 के बाद, सबसे बड़ी मंत्रालय 72 मंत्री आपके पास है, तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्टिव मोड में रहेगी। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, इस बार 72 मंत्रालय बन चुके हैं। वही बात कर ले 2014 की, 2019 की, तो उस टाइम पे काफी कम थी, लेकिन इस बार ये चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि इस बार 72 मंत्रालय बनते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर एक तरफ देखिए कि विपक्ष का लगातार नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष भी लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी इस बार बहुत सोच समझ कर कदम चले हैं। बाकी इस मुद्दे पर आप सबकी क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल एक न्यूज 24 को। तब तक के लिए धन्यवाद।